पार्ट आठ संज्ञा। आज हम इस पार्ट की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है भाववाचक संज्ञा के आगे सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है समाज। समाज का होगा सामाजिकता, ऑप्शन खे। समाज का सामाजिकता, समाज सामाजिकता। अतिथि आतिथ्य, अतिथि का होगा आतिथ्य। सुंदर, सुंदर का होगा सौंदर्य, सुंदर सौंदर्य। योग्य योग्यता, योग्य का योग्यता, ऑप्शन गे। पंडित, पंडित का होगा के, ऑप्शन पांडित्य, पंडित का पांडित्य, ऑप्शन के। सेवक, सेवक का होगा ऑप्शन खे सेवा, सेवक का सेवा। मीठा, मीठा का होगा मिठास, मीठा मिठास। नारी, नारी का होगा नारित्व, ऑप्शन घे। सेवन वाले में भी ऑप्शन घे है और एट्थ वाले में भी ऑप्शन घे। नारी का नारित्व। अपना, अपना का होगा अपनापन, अपना का अपनापन। स्वामी, स्वामी का होगा स्वामित्व, स्वामी का स्वामित्व। एक्सरसाइज नंबर सेकंड है रेखांकित संज्ञा के भेद छाट कर सही का निशान लगाइए। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है तो यह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन के। ऑप्शन के व्यक्तिवाचक संज्ञा। झुंड में चलना भेड़ों का काम है, झुंड में चलना भेड़ों का काम है, तो यहाँ पर झुंड है समूहवाचक संज्ञा, झुंड समूहवाचक संज्ञा। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, क्रोध मनुष्य का शत्रु है, यह क्रोध यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा, तो इसका ऑप्शन होगा गे। सोना सबसे कीमती धातु है, सोना सबसे कीमती धातु है, तो धातु आएगा द्रव्यवाचक में, धातु द्रव्यवाचक में। कक्षा में कौन था, कक्षा में कौन था, कक्षा आएगा जातिवाचक, ऑप्शन खे। कक्षा खे जातिवाचक। थर्ड एक्सरसाइज है किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं छांटकर हमें सही निशान लगाकर बताना है, तो इसमें ऑप्शन आएगा गे। गे ऑप्शन में पौराणिकता, लौकिकता, निर्भयता और फकीरी, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। फर्स्ट का ऑप्शन गे, पौराणिकता, लौकिकता, निर्भयता और फकीरी। सेकंड है, सेकंड का ऑप्शन है गे, सेकंड में भी गे। बुढ़ापा, शयन, दूरी और झुकाव, बुढ़ापा, शयन, दूरी, झुकाव। थर्ड, थर्ड में आएगा भातृत्व, भक्ति, हिंसा और सुंदरता, भातृत्व, भक्ति, हिंसा और सुंदरता। थर्ड में भातृत्व, भक्ति, हिंसा और सुंदरता। इसमें ही सेकंड है थर्ड में किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है छाट कर सही निशान लगाना है, तो फर्स्ट वाले में मिलेगा, फर्स्ट में है गे ऑप्शन, फर्स्ट में गे ऑप्शन। इसमें मनुष्य, दोस्त, नारी, पशु, इन सभी में ऑप्शन है, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, मनुष्य, दोस्त, नारी और पशु। सेकंड है, सेकंड में आएगा विद्वान, राष्ट्र, बच्चा और पंडित, इन सभी में सेकंड में ख ऑप्शन है, फर्स्ट में गे ऑप्शन था, सेकंड में ख ऑप्शन है। विद्वान, राष्ट्र, बच्चा और पंडित, ये सभी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा के हैं। थर्ड, थर्ड में है शिशु, तरुण, क्षत्रिय, इंसान, शिशु, तरुण, क्षत्रिय और इंसान, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। तो फर्स्ट में आएगा गे, सेकंड में आएगा खे और थर्ड में आएगा के। फर्स्ट में गे, सेकंड में के और थर्ड में के। एक्सरसाइज नंबर फोर है रिक्त स्थानों को भरिए। भारत के वीर, तो इसमें आएगा सपूतों या कपूतों, सपूतों। भारत के वीर सपूतों ने देश को स्वतंत्र कराया। क्रोध, क्रोध में आपा, क्रोध में आपा नहीं खोना चाहिए, क्रोध में आपा नहीं खोना चाहिए। क्षमा, क्रूरता या क्षमा, क्षमा, क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा वीरों का आभूषण है। स्वामी विवेकानंद हमारे धर्म प्रदर्शक थे, पथ प्रदर्शक थे, इसका आंसर है पथ, पथ प्रदर्शक हैं, स्वामी विवेकानंद हमारे पथ प्रदर्शक हैं। कठोरता, कोमलपन, कोमलता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, तो इसका आंसर है कोमलता, कोमलता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, कोमलता। फिफ्थ में आएगा कोमलता। निराला ने रोष में कहा गुलाम देश में सभी शूद्र हैं, निराला ने
रोष, इसमें आएगा रोष। रोष का मतलब होता है गुस्सा करना। निराला ने रोष में कहा, गुलाम देश में सभी शूद्र हैं। फिफ्थ नंबर पे है वाक्य में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा विकल्पों में से छाट कर उस पर सही निशान लगाना है। फर्स्ट में है, बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। तो इसमें हमें भाववाचक संज्ञा को ढूंढना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है। गांधी जी शर्मीले बालक बचपन, तो इसमें ऑप्शन है घ, इसका आंसर है घ बचपन। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, तो इसमें आएगा क्रोध। क्रोध एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो गई क्रोध। तो फर्स्ट का ऑप्शन घ था, सेकेंड का है के। उगते सूरज की लालिमा देखने योग्य होती है, तो इसमें है लालिमा। लालिमा घ ऑप्शन, घ ऑप्शन यह भाववाचक संज्ञा है। उगते सूरज की लालिमा देखने योग्य होती है, तो इसका आंसर है लालिमा। इस कमरे की लंबाई चौड़ाई बराबर लगती है, इस कमरे की लंबाई चौड़ाई बराबर लगती है, तो यहाँ पर है लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों क्या है भाववाचक संज्ञा है, लंबाई चौड़ाई। सैनिकों ने देश पर अपना सर्वस्व लुटा दिया, इसमें आएगा ऑप्शन ख सर्वस्व, ऑप्शन ख सर्वस्व। तो फर्स्ट में ऑप्शन था घ बचपन, सेकंड में क्रोध के ऑप्शन, थर्ड में लालिमा घ ऑप्शन, फोर्थ में घ ऑप्शन लंबाई चौड़ाई, और फिफ्थ में था सर्वस्व ख ऑप्शन। अब हम पार्ट चार के कुछ प्रश्न देखते हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। पार्ट चार था शब्द विचार, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखिए व दो दो उदाहरण दीजिए। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर पांचों शब्दों के नाम आएंगे और उनके दो दो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है रचना के आधार पर शब्द के भेद उदाहरण सहित लिखिए। इसमें आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों नाम लिखने हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल देना है। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आंसर आएगा और इसके एग्जाम्पल देने हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए व उदाहरण दीजिए। तो इसमें प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण जो आते हैं वो आपको लिखने हैं, और अविकारी में जो क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं वो आपको लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो इसके अंतर्गत विलोम, पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ये सभी इसके अंदर आएंगे और सभी के आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। अर्थ के आधार पर पहले आपके शब्दों के छह भेद लिखने हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द छह प्रकार के होते हैं, और फिर उन सभी के आपको दो दो एग्जाम्पल देने हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, पांचों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।